हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत बधाई। आज है होलिका दहन और कल होली होगा। हालांकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका है कल या परसों। देखिए, जब भी हो जाए मेन होलिका दहन में ही थोड़ा सा विधिवत पूजा पाठ से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज के दिन दही में कढ़ी बड़ी बनाते हैं। तो और जो बड़ी बनता है, सबसे पहला बड़ी जो बनता है, 7 या 5 या 9 ऐसा निकालते हैं, जो बिना नमक का होता है, और उसे हम लोग चढ़ा देते हैं भगवान पे। और वो शाम के टाइम में होलिका में जला दिया जाता है। और शाम के टाइम में ही हम लोग सरसों का उपटन बना करके उसे लगाते हैं। उसका जो निकलता है ना, वो गंदगी कहिए या झिल्ली कहा जाता है, हमारे यहाँ झिल्ली झाड़ना बोलते हैं, उस झिल्ली को भी लेकर के आग में होलिका दहन में जला देते हैं। ऐसा मानना है कि वो झिल्ली रोग बलाए जितना भी सबके शरीर का रोग वगैरह है, वो सब लेकर के चला जाता है। और हालांकि संवत भी आज से चेंज हो जाएगा, होलिका दहन के बाद से तो नया संवत शुरू होता है। तो इसमें नई शुरुआत हो जाती है, नया फसल का भी पर्व माना जाता है। इसमें हर सब मतलब फसल भी नया उपजने लगता है। तो आज के दिन हम लोग के यहाँ जो खाना बनता है, उसमें हम लोग कढ़ी बड़ी, चक्का बचका ये सब ही बनाते हैं। तो यहाँ मैंने बड़ी बना दिया है और पूजा के लिए निकाल दिया है। और यहाँ मैं बैंगन और लौकी का बनाऊंगी बचका, और साथ में प्याज का प्याजी बनाऊंगी। तो हमारे बेटे को बहुत ये प्याजी पसंद जाता है। गांव पे जब हम लोग होते थे तो चना का, हरे चना का भबड़ा बनाते हैं, उसका पकौड़ी बनाते हैं, उसे हम लोग भबड़ा भी बोला जाता है, हरा चना को हल्का सा दरड़ के। तो मुझे यहाँ मिल नहीं पाया तो मैं नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे प्याजी बना रही हूँ। तो चूँकि प्याजी बाबू को पसंद भी है, तो यहाँ पे बड़ी बनाने के बाद से मैं ये पहले ही सान के मैं रख दी थी, बिना पानी डाले मैं इसमें नमक वगैरह डाल के सारे मसाला बेसन और थोड़ा सा चावल का पाउडर डाल के डाल दी थी, और थोड़ी देर में वो पानी छोड़ दिया तो उसका पकौड़ी हमने बना दिया। काफ़ी क्रिस्पी पकौड़ी बनता है ये, और हरी धनिया की चटनी के साथ। तो यही हम लोग का आज का नाश्ता भी हो जाएगा। नाश्ते में ही विभिन्न प्रकार के पकौड़ी बनेंगे। तो यहाँ पहले प्याज वाला पकौड़ी दूंगी और एक एक करके मैं बनाती जाऊंगी और बच्चों को देती जाऊंगी। बेटी हरी वाली मिर्च लेकर के आई थी, मोटा वाला मिर्च, तो उसका मैं आज बना रही हूँ मिर्च बड़ा। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले कोटिंग करने के लिए मैं बेसन का मसाला तैयार करके एक साइड रख दे रही हूँ। और मैंने उसकी फिलिंग्स के लिए पहले ही आलू बॉयल कर लिया था, और आलू में जैसे आलू पराठा का जो मसाला बनाती हूँ सारे मसाला डाल के, तो वो मैं डाल करके फिलिंग्स तैयार कर लूँगी। इसमें मैंने सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा डाला है, जो है खटाई, और मिर्च को चीरा लगा के उसका जो भी बीज था वो सब निकाल के मैं आलू में ही डाल दी हूँ, ताकि थोड़ा तीखापन भी हो जाए। और हरी मिर्च मैं अलग से नहीं डाली हूँ, और बहुत लोग डालते भी हैं। तो और मैं यहाँ पे आलू को अच्छी तरीके से ठूस ठूस के भर दे रही हूँ, और उसके बाद इसे कोट करके तल दूँगी। नमक कम है कि ठीक है? ठीक है, चटपटा है। चाट वाट मसाला डाली हूँ, टेस्टी है। ओके, फिर डालने के बाद से खट्टा खट्टा भी है ना, खट्टा। अमचूर पाउडर डाली हूँ। हमारे यहाँ होली को खाने पीने का ही त्यौहार कहा जाता है। इसमें बहुत प्रकार से लोग बनाते हैं और खाते हैं, सिर्फ खाने की व्यवस्था करनी होती है। तो आज के दिन तो शाकाहारी सब चलता है, सिर्फ चक्का बचका, पकौड़ा पकौड़ी जितना बना सकते हैं। और आज के दिन रात में भी चावल बनता है, और उस चावल को हम लोग थोड़ा सा चावल निकाल के पानी में डाल के उसे रख देते हैं, जिसके सुबह में अगले दिन उसे थोड़े थोड़े मुंह में डाल करके ही कुछ अनाज खाते हैं। इससे माना जाता है कि दिमाग ठंडा रहता है। और ये भी है कि आज से गर्मी अब शुरू हो जाती है, तो खाना खराब होने का संभावना ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए चावल को पानी में डाल के रखने से चावल ख़राब नहीं होता है। शायद यही साइंटिफिकली यही रीज़न हो, लेकिन इसको कहते हैं कि उसे खाने से दिमाग ठंडा रहता है। तो यहाँ मैं अब मिर्ची का पकौड़ा बना चुकी हूँ, और अब हम लोग अब नाश्ता करेंगे। यही सब चीज़ पकौड़ा पकौड़ी, और खाने में बनाऊँगी मैं कढ़ी बड़ी, और साथ में सब्जी। और यहाँ मैं आज बना रही हूँ आलू का बड़ा, जिसमें मैं उसकी कोटिंग कर रही हूँ कुरकुरे को पाउडर बना करके। काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी ऊपर क्रिस्पी हो जाता है और नीचे सॉफ्ट रहता है, तो रियली काफ़ी टेस्टी बनता है।
तो मैं आज का मैं अपना ब्लॉग अब यहीं करूँगी समाप्त, और मैं अब चली खाने और खिलाने। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और अपनी होली की तैयारी करती रहिए। एडवांस में हैप्पी होली। ठीक।